बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रात। की टीम में हम बात करेंगे अलामा साद सरे साहब की और मौलाना इलियास कादरी साहब की। और ये मुख्तसर वीडियो होगी, जैसे आप कहते हैं यार थोड़ी छोटी वीडियो बना, तो आप जो है ना वो शॉर्ट वीडियो आएंगी, तो आपने इस पर गुजारा करना है। तो चलते अपने टॉपिक की तरफ नाजरीन। मौलाना इलियास कादरी साहब का जो अहम तरीन पॉइंट, उन्होंने कहा है कि जो रबी अव्वल के हवाले से रात के 1 या 2 बजे तक लाइट वगैरह जो है ना लोग जलाते हैं, इस तरह के इस्तेमाल करते हैं, सुबह उनसे नमाज जो है ना वो छूट जाती है, तो वो याद रखें कि लाइट जलाना यानी चरागा करना ये एक मुस्तहब अमल है, जबकि नमाज एक फर्ज है। आप जल्दी सो जाया करें, नमाज जो है ना वो आप टाइम पर अदा किया करें। यह उनकी तरफ से बयान है। दूसरी तरफ से हाफिज जुबैर अतारी साहब जो है उनको करंट लगा है, जिसकी वजह से वो वफात पा गए। अल्लाह पाक उनके मकसद फरमाए और उनके घर वालों को सबर दे। और आखिरी बात और इम्पॉर्टेंट बात कि अलामा साद हुसैन रिज साहब रावलपिंडी गए, पहले एबटाबाद, उसके बाद वो रावलपिंडी गए। रावलपिंडी में उन्होंने वहां पर क्या किया, निकाह पढ़ाया, और आपने देखा कि वो जमीन पर एक चटाई पर फर्श पर बैठ गए, झुक गए। उन्होंने कोई अपने अंदर की मगरूरियत पैदा नहीं की कि मैं तो एक इंटरनेशनल लीडर हूँ या नेशनल लीडर हूँ, एक बहुत बड़ी जमात का सियासी हेड हूँ, रहनुमा हूँ, क्यादत करता हूँ, मैं यहाँ पर बैठ क्यों जाऊँ। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं यहीं पर ही बैठूंगा जहाँ पर ये आम कारकुनान बैठे हैं। और इस तरह से उन्होंने जो है ना एक मिसाल कायम किया सादगी की। ये थी नाज़रीन अहम तरीन अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर की गई है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दो में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।